हेलो स्टूडेंट श्री श्रेयस स्कूल हिंदी मीडियम कक्षा चौथी विषय पर्यावरण जिसमें अब हम पार्ट बीस की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है भोजन और मजा चलिए चलिए ट्रीन न घंटी बजते ही मनप्रीत ने दरवाजा खोला पार्ट दिव्या स्वास्तिक खड़े थे सुरजीत देखो तो कौन आया है वो उत्तेजित होकर खुशी से चिल्लाई सुरजीत दौड़ती हुई आई दोस्तों को देखते ही वह खुशी से उनसे लिपट गई और बोली तुम लोग बोर्डिंग स्कूल से कब आए स्वस्तिक ने कहा कल ही तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं हम उनसे मिलना चाहते हैं अब देखिए क्या हुआ मनप्रीत के दरवाजे पर उनके दो मित्र आए और सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ था सुरजीत बहुत ज़्यादा खुश हुई तो अपने मित्र को देख उनके पास दौड़ती हुई गई अपने मित्र को जैसे ही उनसे जाकर वो लिपट गई अब उसने सोचा और अपने मित्र से पूछा कि तुम कब आए और वो बहुत ज्यादा ही खुश थी उसके बाद उसके मित्र ने कहा कि हम लोग कल ही आए अब हम तुम्हारे माता पिता से भी मिलना चाहते हैं चलिए सुरजीत ने कहा वे तो गुरुद्वारे गए हैं हम भी वहीं जा रहे हैं दिव्या खुशी से बोली अरे वाह चलो हम भी वहीं चलते हैं सुरजीत ने पूछा तुम तो बस छुट्टियों में ही घर आते हो क्या तुम मेरे बोर्डिंग स्कूल में रहना अच्छा लगता है तुम्हें अपने घर वालों की बहुत याद आती होगी ना ऐसा सुरजीत ने उनसे पूछा था दिव्या ने कहा हमें उन्हें बहुत याद करते हैं पर बोर्डिंग स्कूल के जीवन का अपना ही मज़ा है कभी कभी खाना पसंद ना हो तो होने पर भी सभी बच्चों के साथ बैठकर खाने में मज़ा भी खूब ही आता है तो उसके बाद दिव्या ने क्या कहा कि नहीं नहीं घर के वालों की याद तो बहुत आती है लेकिन कभी कभी क्या होता है बोर्डिंग स्कूल का खाना वहाँ पे बच्चों को पसंद नहीं होता फिर भी उन्हें वो खाना खाना पड़ता है तुम्हें पता है होटल में जब किसी के लिए घर से खाने की कोई चीज़ आती है तो सभी उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और बस मिनटों में खत्म। स्वास्तिक ने हंसते हुए बताया तो स्वास्तिक ने क्या बोला कि अगर हॉस्टल में किसी मित्र के घर से कोई चीज़ आती है तो सब उसके कमरे में पहुंच जाते हैं कि खाने के लिए और मिनटों में कुछ ही मिनटों में वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है हो जाती है तुम्हें पता है हॉस्टल में जब किसी के घर से खाना आता है तो उस स्वास्तिक ने क्या बताया था कि सारी चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं चलिए अब आगे क्या आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो अगर नहीं तो किसी छात्रालय में रहने वाले बच्चे से बातचीत कर कर पता कर पता कीजिए छात्रालय और अन्य स्कूल में किन किन बातों में अलग होता है क्यों बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है हमें वहाँ पर रहना पड़ता है और स्कूल में क्या होता है हमें खाली पाँच घंटे ही जाना होता है हम हमारा टिफ़िन लेकर जाते हैं वहाँ पर सारे काम हमको खुद करने होते हैं वहाँ उन्हें कैसा खाना मिलता है वहाँ उन्हें एकदम स्वस्थ खाना मिलता है वहाँ बच्चे कहाँ बैठ खाते हैं वहाँ बच्चे सब एक साथ बैठ खाना खाते हैं वहाँ बच्चों के लिए खाना कौन बनाता है कौन परोसता है तो वहाँ का जो हलवाई होता है रसोइया वो वहाँ का खाना बनाता है बर्तन खुद कौन धोता है बच्चे खुद अपना बर्तन धोते हैं क्या कभी बच्चों को घर के खाने की याद आती है हाँ वहाँ के बच्चों को घर के खाने की याद आती है क्या आपको छात्रालय जाना पसंद है क्यों हाँ मुझे छात्रालय जाना पसंद है क्यों क्योंकि वहाँ पर सारे काम स्वयं करने को मिलते हैं और सीखने को भी मिलते हैं ठीक है हमने यहाँ तक देखा अब आगे का हम आगे देखेंगे